जानती क्या वो कहाँ है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं उस बेचारे ने कुछ खाया होगा या नहीं, कब भटक रहा होगा वो। अखनोस की औलाद है वो आपकी, जाके जाए उसको जाके ढूंढे। अगर उसने जज्बाती होकर खुदा ना खास्ता को गलत कदम उठा लिया तो मैं आपको माफ नहीं करूँ। और ये सारा फसाद तुम दोनों की बीवियों का फैलाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें भर देती है इनके दिमागों में। हमारी औलाद क्यों नहीं कर सकती थी हमारे सामने? और जमशेद देखो जरा ये सास कैसे बहू पर जुल्म ढाई जा रही है। अरे अम्मा तो आप भी जुल्म तोड़ लेना, ले आओ बहू। हाँ पता था तुम यही बोलोगे, तुम्हारे दिमाग में तो बस शादी सवार है। शादी में कुछ नहीं रखा बेटा, कुछ नहीं। अब देखो तुम कितने प्यार से वो यहाँ पर है तुम, और मैं, तुम बर्तन धो रहे हो, मैं टीवी देख रही हूँ, ये सब खत्म हो जाएगा। बहुएं आके ना माँ बेटे के दिलों में बंटवारा डाल देती है। शादी में कुछ नहीं रखा अम्मा, तो आपने क्यों कर ली थी? मेरी बारी आई तो शादी में कुछ नहीं रखा। बकवास मत करो, चाय लेकर आओ जल्दी। हाँ चाय बना रहा हूँ, आप पियेंगी? हाँ हाँ इलायची जरूर। ये आ गए अम्मा, पीछे मेरा बच्चा, माँ सबके। यहाँ तो खुशबू आ रही है लाइट की, कैसी है पी के बताए ना, कैसी है अम्मा? अब आएगा टीवी देखने का मजा। वो अम्मा मैं ना जरा आपसे बात करना चाह रहा था कुछ। हाँ हाँ बात करो। वो आपको ना मेरे साथ कहीं चलना है। हाँ चलूंगी, सिनेमा मॉल कहाँ जाना है, मार्केट, हर चलते हैं, बहुत दिन हो गए। वो मैंने ना अपने लिए एक रिश्ता देखा है तो वहाँ चल। बेड़ा गरक तेरा है, अभी मैंने कुछ देखा नहीं, तूने जाके रिश्ता देख लिया। अब अम्मा आप कुछ नहीं कर रही तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना अपने लिए। फिर बहुत हो गई बकवास, कहीं नहीं जा रही मैं। अम्मा इस बार ना आपको चलना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, वरना कसम है आप मेरा मरा मुंह देखें। फजूल बकवास किया, इंदा मुंह देखो, मुंह में जो आए बकी से ले जाता है। शादी शादी शादी, तौबा पीछे उठा लिया तूने तो। अदी के नाम पे तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है। अरे बेटा मैं आ जाऊं? जी अब्बा। ओ अम्मा कहाँ है तुम्हारी? बाहर्ची खाने में होंगी, मैं बुला दूँ। नहीं नहीं ठीक। आपको कुछ चाहिए अब्बा? नहीं कोई बात करनी है आपने? हाँ हाँ मैं बेटा देखो ये मैं जो भी कर रहा हूँ ना इस सब में आप सबकी भलाई है, ठीक है बेटा? आपको कब से ख्याल आ गया हमारी भलाई का? क्या क्या मतलब? तब ये मतलब ये अब्बा के आपको ये ख्याल तब नहीं आ सकता था जब आपने छुप कर दूसरी शादी की, हमारे हिस्से का प्यार और वक्त किसी और में बांट दिया।
ये तुम ये क्या कह रही हो? तुम सच कह रही हो पापा? हमारे बारे में आपने सोचा ही कब? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही तो सोचा, और इस चीज में आपका कोई ना कोई फायदा तो होगा, मैं जानती हूँ अब्बा। अगर आप जिंदगी में नाकाम हैं, इसका मतलब आप ये तरीके ढूंढ रहे हैं अब्बा कि मुझे। कोई चीज बताऊं अब्बा, शादी के लफ्ज़ से ही नफरत है मुझे। अम्मा और बड़ी अम्मा को देखकर किसका दिल चाहेगा कि वो शादी करे? और अब्बा, अगर शादी का मतलब ये है ना कि किसी से शादी कर उसको इस्तेमाल कर उसको फेंक देना, तो फिर अब्बा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे इस्तेमाल नहीं होना। और फाकिर भी तो आपका ही भतीजा है ना, बड़े अब्बू का ही बेटा, क्या वो आप दोनों से अलग होगा? क्या मैं इतना बुरा हूं? ये सवाल आप मुझसे नहीं अपने आप से पूछा अब्बा। रोज अब्बा मैंने हजारों आंसू पीते हुए देखे हैं अम्मा और बड़ी अम्मा को, और आप चाहते हैं कि मेरा मुस्तकबिल भी यही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक फैसला करके अब्बा आपने अम्मा की तो जिंदगी खराब कर दी, तो आप मेरी भी करना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। यही चाहते एनी, बेटा एनी, 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 तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी होगी तो तुम्हें पता लगेगा कि मैंने सही फैसला लिया था तुम्हारे लिए। चाय ठीक है बेटा? बताओ दादी, हमारा पापा जीते हो बेटा? सर नाश्ता करो। वो बाबा बात करनी थी आपसे। आपको मसला मेरी शादी है ना, तो वो चाहे किसी से भी हो। मतलब ये कि एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ, मेरे स्कूल में ही पढ़ती है वो, तो मेरी शादी आप लोग उससे करवाते हैं। सुन रहे हो तुम? ये स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या इश्क लड़ाने के लिए? है कमाल है दादी, इश्क करने की उम्र नहीं है लेकिन शादी करवानी है। अच्छा अच्छा बस दादी, फिर सुन बातें कर रहे हो, तुम्हारी शादी होगी तो एनी के साथ ही होगी। एनी से नहीं होगी पापा मेरी शादी, हम ना अच्छी लड़की है, उसको पसंद करते हुए शादी होगी तो उसी से ही होगी। ये या क्या बातें हो रही? आओ आओ नाश्ता करो। आ जाओ आ जाओ। आयशा प्लेट लेकर आओ हबीब के लिए। एक बात ही तो है मेरी माँ ने, मैंने भी तो आपकी इतनी बात सुनी हो। एक काम करो, जाकर उनसे बात करो, अगर वो मानते हैं तो ठीक है देख लेंगे, और अगर वो ना माने तो फिर तुम्हारी शादी सिर्फ एनी से होगी, ये याद रखना। ठीक है सही। जाओ भाई साहब। ये फाखिर क्या कह रहे? कुछ नहीं भाई, बच्चा है अब हमारे घर की तरह, हर एक के घर में तो छोटी उम्र में कोई नहीं ब्याह देता है ना किसी को। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो यार? मैं हूँ ना, जुबान दी है तो बात ख़त्म। बस नाश्ता करो। जी जी भाई साहब। तमाशा लगा रखा है, किसी को एहसास नहीं है, ना मेरी बेटी का ना मेरा, कोई एहसास ही नहीं है किसी को।
फायदा खाओगी? वैसे आज ना मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी उससे जान छूट गई। अपना की शक्ल देखी थी, इतनी सी हो गई थी। हाँ देखी तो थी। वैसे आज ना मैं शुक्राने की नफिल पढ़ूंगी और एक भी फिल्मी गाना नहीं सुनूंगी। बात सुन लो मेरी, मन्नत पूरी हो गई मेरी आज। ठीक है भाई, जो करना है कर लेना। लेकिन यार अम्मा गुस्सा क्यों है? वो तो खुद ही चाहती थी कि तुम्हारी और फाखी की शादी ना हो। पता नहीं, शायद वो इस पूरे वाक्य के बारे में गुस्सा है या बैठे बैठे उनका फोन का सेट जो कैंसिल हो गया इस बात पर गुस्सा है, क्या पता। अब हमें वही चुटह लो तो वो तो मैं। और अपने बारे में क्या ख्याल है? बड़ी बहन को चुड़ैल बोल रही हो? चुप करो। अच्छा बस, बहुत खा लिया तुम। बस बस जाओ यहाँ से। चलो ज़्यादा फ्री नहीं हो। अरे मैं नहीं दे रही, बस हटो हटो। बहन के लिए इतना तो कर सकती हो ना। थैंक यू। मोस्ट ऑफ लास्ट मीटिंग शुरू हो जाती है तुम्हारी। पाखिर पाखिर, आयशा और हबीब उनका मूड क्यों खराब है? मुँह क्यों लटके हुए उनके? क्या हुआ है? मैंने बात कर ली बाबा से। कौन सी बात? यही कि अगर शादी करानी तो मेरी पसंद की करानी, बस। और क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था? मान गए? मान मान गए कैसे? मान और तुमने कैसे शादी के लिए आग कर दी? पागल हो तुम? हाँ क्या हो गया तुम्हें? अच्छा बैठे 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 टेंशन नहीं ले। मैं नहीं देख सकता भाई, अब आपको बातें सुनते हुए बहुत हो गया। बस कर रहे हो तुम, असली बात बताओ क्या है? और वो लड़की बेचारी, उससे तुमने बात की है? वो मानी है? बात तो नहीं की है मैंने उससे, लेकिन वो मान जाएगी, मुझे बहुत पसंद करती है वो। और उसके वाले? वो नहीं करते मुझे पसंद। क्या है क्यों टेंशन ले रही है इतनी? कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है, फिक्र नहीं करें यार, सब सही हो जाएगा। हाँ और आपको पता है अगर मेरी शादी नहीं हुई तो फिर वो एनी से करवा देंगे मेरी। तुम्हारी शादी होनी ही चाहिए। अरे बस यही, अच्छा मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। सही, आपसे फिर बात। ठीक है, बाय बाय। तो सही 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 सही। बाप भी पागल है और बेटा भी पागल है, ये शादी हो गई तो सब पछताएंगे। उम्र है शादी की यार, अब चल ना, नहीं आने वाली वो बाहर, कितना खुआर हो रहे हैं तेरे चक्कर में। सब्जियां आलू है, तोरी है, टमाटर है, भिंडी है, मटर है। देख एक, देख ना, अबे देख दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा क्या चाहिए बेटा? अंकल एक काम करें, एक किलो प्याज, एक किलो आलू और 3 किलो टमाटर दे दें। सही है। और थोड़ा सा ना हरा धनिया भी डाल देगा और 2-3 मिर्चें। सही? कसम खुदा की तेरे चक्कर में कभी मार खाऊंगा मैं, बहुत पिटवाएगा तू। ये लीजिए अंकल। अबे अब हो गया ना तेरा, चल अब निकल। अरे चल अब तो, चल अब तो खैर। क्या हाल है? कैसी हो? कहाँ हो तुम? तुम मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो? तुम हो कहाँ आजकल? हाँ मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, किसी चीज का कोई जवाब नहीं, पर तुम अपना फोन भी बंद कर लेते। तुम्हें हो क्या क्या है? और फिर तुम मुझे अचानक मिलने के लिए बुलाते हो, तुम पागल हो क्या? यार हम लोग तुम्हें नहीं पता मैं कितने मसलों में फंसा रहा था यार, तुम्हें क्या बताऊँ? तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है? तो अच्छी बात है ना ये। अच्छा है? क्या अच्छा है? हम लोग, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है यार। बोलो। आमना के आगे भी तो कुछ बोलो ना। या वो सफर सफर तू उनसे शादी कर सकती है? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सो पाकर यहाँ पे हम मजाक कर रहे हैं? क्यों मजाक करूँगा इस बारे में बताओ? तुम सीरियस हो? पागल तो नहीं हो गए? पागल भी रफा हो गए हैं यार, मेरी शादी करवाने पे तो ले गए वो पीएनी के साथ। यार मैं नहीं कर सकता उससे शादी, उनको समझ नहीं आ रही है चीज़। और तो नहीं यार किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो, कह रहे हैं कि अगर तुमने शादी नहीं करी मैं अम्मा को तलाक दे दूंगा। कोई कोई बात करने वाली है? इसी वजह से उनको शादी के लिए हाँ करती।
लेकिन मैंने उनसे ये कहा है कि यार आप कम से कम मेरी पसंद से तो शादी करें। हमने मछली तो हमारे पास है हुई, तो मुझे सीरियसली बताओ तुम मुझसे शादी कर सकती हो? आखिर मुझसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही हो क्या? तुम्हारे अप्पा को क्या हो गया है? हमारी इस वक्त एज क्या है? हाँ, हमारी एज में कोई शादी के बारे में सोचता है? हम में सबकी जल्दी शादियां होती हैं। हाँ तो वो तुम्हारा मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। बड़ी बहन तुम कहने के साथ है, मतलब क्या तुम्हारा इस बार? मतलब ये है फाखर के जो तुमसे शादी नहीं करनी है अभी। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? उम्र ही क्या है अभी? मेरा करियर है, मेरी एजुकेशन है, मेरी मुझे ट्रैवल करना है, मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं? तू इनकार कर रही हो मुझे? हाँ फाखर, क्योंकि क्योंकि तुम्हारी फैमिली ना बहुत तकियानूसी है और मेरा सर्वाइवल नहीं है उन लोगों के साथ। मामा ठीक कह देते यार, तुम और तुम्हारी फैमिली के साथ मैं नहीं रह सकती। प्लीज फाखर, तुम ना अपनी जाके फैमिली को समझाओ, अपने पापा को समझाओ कि वो तुम्हारी ऐसी जबरदस्ती शादी ना करवाएं। तो तुम पे हैरानी हो रही है, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि हम अभी शादी कर लें? फाखर, I really like you. Actually, I love you, फाखर, लेकिन शादी अभी तक मेरी लिस्ट में दूर दूर तक कहीं नहीं है। घर जाना होगा, मामा की कॉल्स आ रही हैं। जाहिर है भाई, मौका जो पहली बार मिला है। अब बच्ची की शादी कर ही रहे हैं तो उसकी ख्वाहिशात तो पूरी करेंगे ना। सब कुछ भाई साहब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। भाई साहब की हर बात हुक्म के बराबर है और उनका हर हुक्म सर आंखों पे। वो बढ़िया भैया, आप इतनी टेंशन में क्यों टहल रही हैं यहाँ पर? अरे फाखर, उसका इंतजार कर रही हूँ, अभी तक घर नहीं आया, सुबह से ये शाम हो गई है, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। आप टेंशन ना लें, आ जाएगा वो। वो आमना से मिलने गया, तुम जानती हो ना उसको? हाँ थोड़ा बहुत, बस दुआ करेंगे वो जो करने गया ना वो कबूल हो जाए। हाँ जी, अरे लगता है अच्छी खबर लेकर आए, मान गई है ना? तारीख रखे, कौन सी तारीख बोल रही है वो? ओहो बस भी करो, क्यों तक कर रहे हो उसको? अरे पूछू तो सही, बड़ा जोश में गया था कि वही करनी है शादी। ओहो उसकी हालत तो देखो। अरे कहा था तुमसे मैं, इतना आसान नहीं होता, ये बच्चे हैं, ये इनका तो दिमाग खराब है। बस तुम बिस्मिल्लाह करो। फाखर, फाखर क्या हुआ, क्या कहा उस?
अब आपको इस शादी से इनकार कर देना चाहिए। कमाल है, हमारी बच्ची को इज्जत ही नहीं है, मजाक बना के रखा हुआ है, खेले कोई कुछ बोलेंगे भी। शादी की तैयारियां करो। तमाशा भरा घर है, किससे कहें, किससे जाके बात करें, जिसकी जो मर्जी आता है करता है। शादी की तैयारियां करो। ये नहीं एक्सचेंज करा आनंद। पर ये क्या है, उल्टे हमारे ही पैसा खर्च हो रहा है। कब बात करोगी भाई साहब से? इतने तमाशे लगे हुए, कब और कैसे बात करें? हमें क्या पता था कि जहीर भाई इस तरह बैठे होंगे, हमें तो लगा बिस्तर पे होंगे, आराम कर रहे होंगे। तो पहले मालूम करना था ना, बिस्तर पर होंगे। देखो मैं कुछ नहीं जानता, मौका देख के भाई साहब से बात करो, तुम्हें पता है हमें पैसों की कितनी जरूरत है। जानती हूँ। नहीं जानती ना? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी जी, एनी एनी टीवी पे इतनी मजे की मूवी चल रही है, आज हम मिलके देखते हैं। क्या हुआ एनी, रो क्यों रही हो? ऐसे प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं खेलना छोड़ दो मुझे। बताओ तो सही, रो क्यों रही हो? जिंदगी खराब हो रही है मेरी, बर्बाद हो रही है, और किसी को दिख भी नहीं रहा। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम कौन सा शादी करके कहीं जा रही हो, हमारे साथ ही रहोगी ना, और हम तब भी इसी तरह मस्तियाँ करेंगे, खेलेंगे। तुम बस सबको दिखाने के लिए शादी कर लो। वैसे तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है? और तुम्हें क्या लगता, शादी के बाद सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे अभी है या शादी से पहले था? हाँ वैसा ही होगा, मतलब वही घर वही लोग। और तुम खुद सोचो, हमारे पास कितने सारे पैसे होंगे फाके की तरह, हमें फिर फाके से पैसे भी नहीं लेने पड़ेंगे चीज़ खरीदने के लिए। हमारे पास नए जेवर, नए कपड़े, नए जूते, सब कुछ होंगे, और तुम्हारे साथ साथ मेरे भी मजे हो जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं अम्मा। फायजा आप जाइए, जाके फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रखिए, और एनी तैयार हो जाए, चलो हमें जाना है शॉपिंग पे। अम्मा आप एनी की शॉपिंग करने जा रहे हैं? एनी के, तुम्हारे, मेरे, हम सबके। भाई साहब ने पैसे दिए हैं हम सबके शॉपिंग के लिए। कसम खाए अम्मा, तुम्हें क्या झूठ बोलूंगी? चलो मैं भी साथ चलूँ। पहले पानी की बोतलें, फिर उसके बाद। एनी रेडी हो जाओ। जी अम्मा। देखा मैंने कहा था ना, तुम खुद ही सोचो, हम क्या पहले कभी ऐसे गए शॉपिंग करने? नहीं ना, बस वही जो कपड़े दिए ताए मीने वही पहने। अब चलो ना। तो क्या देना मुझे? ये लो, मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ। क्या एनी? एनी, एनी उठो। मैं नहीं उठ रही, जाओ ना। लेने जाने हमें। एनी हालत, तुम्हारी बहुत याद कर रही है तुम्हें, कब जा रही हो उनसे मिलने? अम्मा साथ ही चलेंगे ना, अब मैं अकेली जाके क्या करूँ? अम्मा सायका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, घर में कोई नहीं है क्या? नहीं बेटा, अबीब और जहीर तो हॉस्पिटल गए, और समीना मेरे ख्याल से अपने कमरे में बैठी सोग मना रही होगी। और आयशा की तो लॉटरी निकल आई है, बच्चियों को लेकर शॉपिंग करने गई है। देखना आप भाई साहब कितना पैसा लुटाएंगे शादी पे। हाँ तो क्यों नहीं भाई, उसका एक ही तो बेटा है। हमारा भी कुछ ख्याल कर लें, इतनी दूर से उनकी तमारदारी के लिए आए। हाँ तो जो मांगना भाई से मांग लेना। वैसे सायका तुम यहाँ भाई साहब से मिलने आई हो या चीज़ें मांगने? अरे तो जहीद भाई की तबीयत की खराबी का सुनकर चले आए, अम्मा ने तो ऐसा नक्शा खींचा था जैसे उनका आखिरी वक्त चल रहा है। अरे जो मुँह में आता है बोले चली जाती हो सायका, क्या हो गया तुमको? अल्लाह ना करे मेरे बच्चे की उम्र दराज हो, तो पता है मौत के मुँह से निकला है वो। बैठो ना, तुम खड़ी क्यों हो? तो अम्मा हम भी तो इसीलिए आ गए ना भाई साहब की तबीयत का सुन के, लेकिन यहाँ तो शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, लग रहे हैं वो कहीं से बीमार। तो तुम क्या चाहती हो सायका? अल्लाह लगा के तो भाई साहब की तबीयत ठीक हुई है, तुम क्या चाहती हो वो बिस्तर से लग जाए? वो वाकई मौत के मुँह से वापस आया है। ऐसे खुदगर्जी की बातें कर रही तुम सायका। वैसे सायका तुम यहाँ आई क्यों? क्या मतलब आई क्यों? जहीर भाई से मिलने आई हूँ। वाकई
पिछले साल अम्मा की तबीयत इतनी खराब थी, कितना फोन किया तुम्हें, कितना बुलाया सबने, माँ के लिए नहीं आई लेकिन भाई साहब के लिए आ गई। फैमी हम वहाँ पे खाली नहीं बैठे हुए, फराज साहब को छुट्टी नहीं मिली थी तो नहीं आए थे, इस दफा छुट्टी मिल गई तो आ गए। और तुम कौन होती हो हमसे पूछने वाली हम आए या नहीं आए? अरे 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 बस करो ना, क्यों लड़ रही हो आपस में इस तरह से है भाई? जो भी मैं ओहो मेरी बात तो सुन ले, चली चली जा रही है वहाँ पे, तो क्या हो क्या गया? अम्मा छोड़े इसे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये दोनों मियाँ बीवी ना हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इनका तो पेट ही नहीं भरता। अम्मा मैं बता रही हूँ, ये इस बार भी ना जरूर किसी ना किसी लालच से आई है, रगत से वाकिफ हूँ मैं इसकी। अच्छा तुम तो रहने दोनों बस करो। अच्छा खैर छोड़े, आप ही बताएं शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी माशाल्लाह से, तुम देखना कैसा प्यारा जोड़ा बनवाया उसने। अच्छा और जेवर कैसा बनाया आपने? डिफ्यूजर तो है ही नहीं, इधर लीजिए आ गई मेरी बेटी। बैठो बेटा। कुछ लें जी? अम्मा लो। नहीं बहन शुक्रिया, दरअसल हम लोग घर से खा कर चले थे। बेटी कुछ ज्यादा मोटी नहीं? अम्मा क्या हो गया? अम्मा मुझे भी खरीदो। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो जमशेद बेटा बहुत पसंद आया, माशाल्लाह बहुत सादतमंद बच्चा है। कहाँ तो पसंद आना ही था, हीरो है मेरा बच्चा, हीरो। चिराग लेकर ढूंढेंगी ना तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा तो शादी की तारीख पक्की कर ले। हाँ तारीख। अरे भाई साहब ऐसी भी क्या जल्दी है, मैं जरा मशवरा कर लूँ खानदान में फिर आप लोगों को बताती हूँ। लड़की अच्छी है, अच्छी लगी मुझे। कौन सा खानदान कर लो ना बात। तुम चुप है, ये सब बड़ों के करने की बातें, मैं आप लोगों को बताती हूँ ठीक है, एक दो दिन में जवाब देती हूँ। लेकिन जमशेद तो कह रहा था कि शादी की तारीख आज पक्की कर देंगे। ये तो बच्चा है, कह दिया होगा, आप भी इसकी बातों में आ गई। ये तो सब बड़ों के सोचने की बातें हैं ना, मैंने आपसे कहा ना मैं इसकी बहन से मशवरा करके आपको जवाब देती हूँ ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। चलो जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आयशा लगता है तुम तो सारा बाजार ही उठा के ले आई। जाहिर है भाई, मौका जो पहली बार मिला है। अब बच्ची की शादी कर ही रहे हैं तो उसकी ख्वाहिशात तो पूरी करेंगे ना, सब कुछ भाई साहब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। भाई साहब की हर बात हुक्म के बराबर है और उनका हर हुक्म सर आंखों पे। पानी ला के देना बेटा मुझे। ये देखिए, ये खाओ, ये देखो अच्छे रंग है ना, ये देख काफी अच्छे रंग है। कहाँ रह गया? अब सुनो तो, मैं ना आपा को बोलूंगा वही समझाएंगे अब आपको। अरे इसमें समझाने वाली अब क्या बात है, है? कौन सी तुम्हारी उम्र निकली जा रही है जो इस कदर उतावले हो रहे हो? लड़की देखी थी किस कदर मोटी थी, मेरा बच्चा इतना स्मार्ट और लड़की इतनी मोटी। तो देखो ये जो किराएदार है ना अपना, ये सिर्फ किराया बचाने के चक्कर में ना अपनी भांजी से तुम्हारा रिश्ता करवा रहा है, बात को समझो। अरे मैं अपने बच्चे के लिए खुद अच्छी लड़की ढूंढूंगी, चल आयशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बैठे बैठे मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो भाई? बस वैसे के वैसे। और भाई जमशेद क्या हाल है तुम्हारा? बुरे हाल हैं भाभी। क्यों क्या हुआ? आयशा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अरे मुझे लगा था आप लोग आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कैसी हैं अम्मा? सब कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसे जमशेद? जिंदा हूँ बस। अरे आयशा भाभी मिठाई लेके आए ना, वो मीठा कराए, आखिर नानी और मामू आए हैं। मिठाई किस खुशी में? भाभी ने बताया नहीं आपको? फाखिर और एनी की बात तय हो गई है।
अरे अरे क्या हो गया? पानी पानी किसकी बातें हो गई है? फाखिर और एनी की। लाऊं पानी? जहर ला दें थोड़ा सा। अभी ना? अरे छोड़ो, इसे कितनी खुशी की खबर है भैया। मुबारक हो, मुबारक हो समीना। हाँ सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। अभी जमीन से हो गए नहीं है, उनका रिश्ता हो गया। अम्मा मेरा पांचवा भी कैंसिल करा के आ रही तुम। कह रही है लड़की मोटी है। अच्छा, और तुम? इनको कौन समझाए अब। हाँ मुझे तो बस गुस्सा आ गया था, सुना दी मैंने भी। फेमी को कुछ ज्यादा ही आग लगी भी है। फेमी बहुत तेज है, और उससे भी ज्यादा तेज है उसका मियां। इसे तुम जितना आसान समझ रही हो ना, उतना आसान है नहीं ये सब कुछ। देखना सबसे ज्यादा शोर हबीब और फेमी ही मचाएंगे। मचाते हैं तो मचाएं। क्या मैं नहीं देख रही यहाँ रह के वो क्या कर रहे? भाई साहब को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मेरा भी कुछ हक है, और अगर मुश्किल में काम नहीं आएंगे भाई साहब तो कब काम आएंगे? और माशाल्लाह से अगर आपके हालात सही होते फराज साहब, तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। मेरी तो किस्मत ही फूटी जो आपसे शादी करा दी गई। बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई। आप तो ऐसे हो जाते हैं जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। घर में इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, सब कुछ छोड़ के कैसे आप? यानी की शादी तय की है, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मुझे क्या पता, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं उन लोगों से। मेरा तो ताल्लुक है। शादी कब है? आज जाऊंगा भाई साहब से तारीख लेने के लिए। आज भी जाऊंगा? हाँ वो कुछ जरूरी सामान लेने के लिए आया हूँ। जब तक ये मामला चल रहे हैं मैं वहीं रहूंगा। अच्छा, सामान लेने आए थे? मजाक बनाया हुआ है आपने तो यार। तंग नहीं करो यार, अभी मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तुम मेरी वजह से तो परेशान नहीं है ना, मैंने परेशान किया आपको? हाँ उस घर की परेशानियां है, वहीं छोड़कर आया करे। आज रात खाने में क्या पका रही? क्यों खिला के नहीं भेजा उन्होंने? घर से अगर आ रहा होता ना तो खाना खा के आता, भूखा नहीं आती। दफ्तर से आ रहा हूँ। अच्छा तुम घर से आते तो खा के आते, ताना भी दे दिया। सच? ताना नहीं मार रहा हूँ मैं, ताना नहीं है ये। एक बात सोची है मैंने, अभी मैं सोची थी कि जब बीवी हूँ आपके, तो अगर मैं भी एनी की शादी में आ जाऊँ तो आप मुझे कपड़े दिला दे, जेवर दिला दे, मैं भी शामिल हो जाऊंगी। हाँ। नहीं अब ये क्या तुम बात कर रही हो? अभी तो तुम कह रही थी कि कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। हाँ तो मैं ही अभी भी कह रही हूँ ना कि अब ताल्लुक है, और नहीं हो सकती क्या? नहीं रवि, इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस सवाल का जवाब कौन देगा? एनी, एनी,
आप अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई हैं तो हमें इस सवाल का जवाब देंगी। यस मैम। वो आपको हुआ क्या है? ध्यान कहाँ रहता है आपका आजकल? क्लास के बाद मुझे मिलिएगा। ट्यूस सिद्रा आप बताएं बेटा। शाबाश। व्हाई दिस टोमेटो ओपन ड्यूरिंग द लाइट? बॉल 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 हे हेल्प हेल्प। ये लोग खेलो मैं। क्या हुआ? ये इशारे करके क्यों बुला रहे हैं? यार मेरे बारे में प्लीज किसी को बताना नहीं है। जो भी घर में चल रहा है यार पागल। तू तो पागल समझता है क्या? मैं क्यों लोगों को बताऊंगा? और तू क्या वाकई में शादी कर रहा है? वैसे तुम्हें मुझसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ताने वाला काम तो तेरी एक्सगर्लफ्रेंड अच्छे से कर रही है। मैं यार कुछ और बात कर रहा था। ये बात करनी थी, समझे क्यों बुलाया? कम ऑन बॉयज यार, बोल दो बोल दो। कैनिंग में तुम्हारा कैंटीन में वेट कर रही हूँ। इस मैम आपने कहा था कि क्लास के बाद रुको। जी जी बेटा, क्या चल रहा है आजकल? तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हें पता है तुम्हारे टेस्ट कितने बुरे गए? क्लास में भी तुम पता नहीं कहाँ गुमसुम बैठी हुई होती हो, किन ख्यालों में होती हो। कुछ तो बात है, मुझे बताओ, वरना तुम जैसी होनहार बच्ची ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है? तो वो बस घर के कुछ मसले। क्या परेशानी है बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। क्या हुआ बेटा? मैम वो मेरे मेरे घर वाले ना मेरी शादी कर रहे। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वो बस मेरे ताया के बेटे से मेरी शादी कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी एज ही क्या है अभी? क्या सोच रहे हैं तुम्हारे घर वाले? ऐसा नहीं, लेकिन अगर आपको मेरे घर वालों से बात करनी है तो आप जरूर करें मैम, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल बेटा, इस मामले में मैं मैडम से बात करती हूँ, जैसा भी होता है फिर तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? परेशान मत होना। मैं जाऊँ? जी जी। कश्तियों को बेसहारा छोड़।